चलो बच्चों, तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आज का हमारा एजेंडा है ट्रांसम्यूटेशन और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो दो बातें सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट ट्रांसम्यूटेशन एंड देन वी विल सी आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अभी तक ये तो स्पष्ट हो ही गया है कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। अब ये थोड़ा नया टर्म है, ये ट्रांसम्यूटेशन है ना, ये थोड़ा सुनने में भी नया जैसा लग रहा है। तो देखो भाई, क्या मतलब है इन सब का। तो शुरुआत की जाए बच्चों ट्रांसम्यूटेशन से। ट्रांसम्यूटेशन क्या होता है, ट्रांसम्यूटेशन गौर करेंगे। तो ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है चेंज होना, है ना। ट्रांसम्यूटेशन का मतलब हो जाता है रेडियो एक्टिविटी में कि एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में चेंज कर देना। तो जब ये कन्वर्जन होता है देन दिस प्रोसेस वी कॉल इट ट्रांसम्यूटेशन। तो बहुत ही आसान सी बात है। व्हाट इज ट्रांसम्यूटेशन? इट इज जस्ट कन्वर्जन ऑफ वन एटम इनटू अदर। तो दिस इज योर ट्रांसम्यूटेशन। अब ये जब बच्चों ट्रांसम्यूटेशन होता है तो एटम, एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट होना है ट्रांसम्यूटेशन। तो ये जो ट्रांसम्यूटेशन है इसे हम लोग दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो तरह से पढ़ सकते हैं। तो एक तो हो जाता है बच्चों नेचुरल, जो कि रेडियो एक्टिविटी होती है, जब पार्टिकल खुद से जब कोई एटम जो है अनस्टेबल होता है तो खुद से डिसइंटीग्रेशन होता है, तो दैट इज द नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन और नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। कई बार ऐसा भी होता है कि आर्टिफिशियली भी हम लोग एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो भी कैसे करते हैं अभी वो सीखेंगे। तो ये जो ट्रांसम्यूटेशन है इसे हम लोग दो हिस्सों में पढ़ेंगे। तो इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो जो पहला पार्ट है या जो पहला ट्रांसम्यूटेशन है दैट इज नेचुरल, और जो दूसरा ट्रांसम्यूटेशन है दैट इज आर्टिफिशियल। सो फर्स्ट इज नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन, ओके। और जो दूसरा है बच्चों दैट इज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। दिस इज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। अब बारी बारी से ये जो नेचुरल और आर्टिफिशियल है इसको थोड़ा सा समझा जाए कि नेचुरल का मतलब क्या है और आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन का क्या मतलब है। देखें तो बच्चों जो फर्स्ट है दैट इज नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। फर्स्ट इज नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। देखो क्या होता है नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। अब नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन हमारे लिए कोई नई बात नहीं, हम लोग जो पढ़ते थे अल्फा डिके बीटा डिके वही दरअसल नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन है। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज नेचुरल कन्वर्जन ऑफ a radioactive atom या आप उसको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं ना। सो नेचुरल कन्वर्जन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एटम जो भी होगा वो कैसा होगा प्यारे बच्चों, वो होगा अपना अनस्टेबल कैटेगरी का, इनटू रिलेटिवली स्टेबल एटम। तो ये हो जाता है अपना नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे क्या होता है कि एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट हुआ, एक रेडियोएक्टिव एटम है, तो उससे से अल्फा डिके हुआ, तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट हो सकता है स्टेबल ना हो, तो क्या होता है कि फिर से डिके होता है। तो तब तक डिके होता रहता है जब तक कि हमें
थोड़ा सा स्टेबल रिजल्ट ना मिल जाए, है ना। ये जो डिके होता है बच्चों, ये डिके कब तक होता रहता है, ये नेचुरल रेडियो एक्टिव डिके तब तक होता रहता है टिल वी गेट अ स्टेबल न्यूक्लियस और यू कैन से स्टेबल एटम। इसलिए मैंने यहाँ पर रिलेटिवली स्टेबल एटम लिखवा दिया है। ओके, तो ये तो था नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। तो कोई पूछे इसका एग्जांपल, तो नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन का एग्जांपल है सबसे आसान रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी इज अ नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। इसमें क्या होता है कि नेचुरली डिके होता है और एटम एक दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द नेचुरल ट्रांसम्यूटेशन। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट विच इज आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, तब ये आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन क्या है, गौर करिए। ओके, देखें बच्चों क्या होता है। अब चूंकि यहां पर आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब ही है कृत्रिम, जो नेचुरल ना हो, और ट्रांसम्यूटेशन मतलब कन्वर्जन हो गया एक एटम से दूसरे एटम का, तो जो नेचुरल कन्वर्जन ना हो मतलब वो कैसा हो, वो आर्टिफिशियल कन्वर्जन हो, कोई बाहरी ताकत वो कन्वर्जन कराए, देन सच कन्वर्जन इज ट्रांसम्यूटेशन, है ना। सो कन्वर्जन ऑफ वन एटम, कन्वर्जन ऑफ वन एटम इंटू अदर आर्टिफिशियली, कन्वर्जन ऑफ वन एटम इंटू अदर बाई आर्टिफिशियल मेथड्स, बाई आर्टिफिशियल मेथड्स, तो ये हो जाता है आपका आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, गौर से देखेंगे। जैसे एक हमने क्या किया बच्चों, बेरिलियम एटम लिया, है ना। सो दिस इज 4 बेरिलियम 9। अब इस बेरिलियम पर क्या किया कि अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, इस बेरिलियम एटम के ऊपर हमने क्या किया, अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। तो जब हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की तो उससे क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉन रिलीज होता है। अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करने से, बेरिलियम की शीट पर अगर हम अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग करते हैं तो उससे क्या होता है, न्यूट्रॉन रिलीज होता है। तो न्यूट्रॉन रिलीज हो गया, तो जब न्यूट्रॉन रिलीज हो गया, 0 N1 आ गया, तो फिर अगर हम चार्ज को बैलेंस करें, दिस इज नॉट हीलियम एटम, दिस इज अल्फा पार्टिकल। ध्यान रखेंगे ये हीलियम का न्यूक्लियस है। जब भी हम बच्चों न्यूक्लियर रिएक्शंस लिखते हैं तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो प्रिसाइसली रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। मींस दिस 4 एंड दिस 2 इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यू कैन से चार्ज। एक प्रोटॉन का चार्ज 1 यूनिट, है ना। देखो मैं यहां लिख देता हूं, जैसे जब हम चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, 3 अगर सब एटॉमिक पार्टिकल की बात करें तो हम लोग लिखते हैं 1p1 -1e0 और 0n1। सो दीज आर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इन सब पार्टिकल्स में जो नीचे वाला नंबर है दैट इज योर चार्ज। 1 यूनिट चार्ज का मतलब होता है, 1 यूनिट चार्ज का मतलब होता है e, और यू कैन से 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। 1 यूनिट चार्ज इज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं, प्रोटॉन पर 1 यूनिट का चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर -1 यूनिट चार्ज। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्का होता है, इसलिए इसका मास हम लोग 0 लिखते हैं, बट ये एग्जैक्ट 0 नहीं है। दिस इज द रिलेटिव रिप्रेजेंटेशन, और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो मास होता है दैट इज ऑलमोस्ट सेम। तो हमें यहां पर क्या देखना है कि जब भी हम न्यूक्लियर रिएक्शन लिखेंगे
तो उस न्यूक्लियर रिएक्शन में जो नीचे वाला नंबर है दिस रिप्रेजेंट्स योर चार्ज और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जो ऊपर वाला नंबर है वो रिप्रेजेंट करता है मास को. वो किसको रिप्रेजेंट करता है? मास को. तो मास का मतलब क्या हुआ कि एक यूनिट मास मतलब या तो एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन. तो यहाँ पर टोटल मास के लिए 9 + 4 = 13, तो यहाँ पर एक निकल गया न्यूट्रॉन तो 12 हो गया, और यहाँ तो 0 था, चार्ज था नहीं, तो पूरा का पूरा चार्ज यहीं आ गया. तो भाई ये जो बेरिलियम पर हमने अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की, अगर नहीं करते तब तो बेरिलियम कुछ भी रिलीज नहीं करता, तब तो बेरिलियम बेरिलियम ही रहता. तो बेरिलियम की खुद से स्वेच्छा नहीं है कि वो चेंज होके कुछ और बन जाए. बट यहां पर क्या हो रहा है कि यू आर कंपेलिंग बेरिलियम टू कन्वर्ट इनटू समथिंग सम अदर एटम विच इज कार्बन 12. सो दिस इज डन बाय द बम्बार्डिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल ओवर बेरिलियम शीट या बेरिलियम एलिमेंट. तो यही होता है बच्चों आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन. जो खुद से ना बदलना चाहे उसे आप जोर जबरदस्ती करके बदल दीजिए. अच्छा, अब जैसे इसने कन्वर्ट होके क्या किया कि C12 एटम दे दिया. अब ये जो C12 एटम है, दिस इज इटसेल्फ अ स्टेबल एटम, और यू कैन से दिस इज स्टेबल न्यूक्लियस. और ये क्या है कि अब ये फर्दर डिसइंटीग्रेट नहीं होगा. कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से आप जो नया एटम जनरेट करते हैं वो अपने आप रेडियो एक्टिव होता है, तो वो जैसे ही बनता है वो भी डिके होना स्टार्ट हो जाता है. बट हेयर इट इज नॉट द केस. सो दिस C12 इज नॉन रेडियो एक्टिव नेचर, यू नो दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव. तो बच्चों ये जो आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है, ट्रांसम्यूटेशन takes place with the help of ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जैसे अभी एक एग्जांपल हम लोगों ने देखा अल्फा पार्टिकल, इसकी जगह बच्चों बीटा पार्टिकल भी हो सकता था, इसकी जगह कोई न्यूट्रॉन भी हो सकता था, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो हम लोग क्या करते हैं कि इन पार्टिकल्स की किसी एटम के ऊपर बम्बार्डिंग करते हैं. एन एटम इज bombarded with these particles. अब जरूर नहीं सबको एक साथ ही, किसी में अल्फा तो किसी में बीटा, बस एक एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया. सो एन एटम इज bombarded with these subatomic particles and a new atom is produced, और एक नया एटम जनरेट होता है ना, इस जनरेटेड जो भी आप लिखना चाहें. तो बच्चों ये तो था अपना आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन. अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि बेरिलियम के न्यूक्लियस पर अल्फा पार्टिकल ने अटैक किया, न्यूट्रॉन निकला, कार्बन 12 निकला. सो दिस वॉज एक्चुअली द न्यूक्लियर रिएक्शन which became helpful for the invention of neutron by Chadwick. अच्छा, एक चीज और भी समझ लें, ये जब हम bombarding करते हैं तो इस तरह की न्यूक्लियर रिएक्शन को represent करने का एक specific notification या इसका एक representation का तरीका भी होता है, वो भी देख लें जरा. तो अगर इसका representation देखा जाए तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल किया था बेरिलियम वाला, उसी को देख लेते हैं. तो उसमें क्या हो रहा था कि बेरिलियम वॉज अटैक्ड बाई अल्फा पार्टिकल,
तो जिसको जिस पर अटैक होता है उसको पहले लिखते हैं, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल उस पर अटैक करता है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। अच्छा, फिर कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल रिलीज हो रहा था? सो दैट वाज न्यूट्रॉन। एंड व्हाट वाज द रिजल्टेंट, और यू कैन से डॉटर न्यूक्लियस? सो डॉटर न्यूक्लियस वाज कार्बन। आप चाहें तो और प्रिसीजन के लिए बेरिलियम 9 लिख सकते हैं, कार्बन 12 लिख सकते हैं। फाइन, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन न्यूक्लियर रिएक्शंस। तो शुरुआत किससे करनी है? पेरेंट से। दिस इज द पेरेंट न्यूक्लियस और पेरेंट एटम, जैसा भी आप लिखना चाहें, दिस इज पेरेंट एटम और ये है बच्चों डॉटर एटम। पेरेंट मतलब जिससे शुरुआत होती है, डॉटर मतलब जो परिणाम होता है। तो ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन। अब जैसे एक और छोटा सा अगर इसमें हम एग्जाम्पल करना चाहें, से लाइक ऐसे लिख दिया दैट एल्यूमिनियम 27, 13 एल्यूमिनियम 27, और उसके ब्रैकेट में लिख दिया अल्फा पार्टिकल, फिर ब्लैंक स्पेस छोड़ दिया और फिर लिख दिया बच्चों 15 फॉस्फोरस 30, और पूछा गया कि जो ब्लैंक स्पेस है यहां पर क्या होना चाहिए। तो पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये जो है कि न्यूक्लियर रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कोई सब एटॉमिक पार्टिकल किसी पेरेंट एटम पर अटैक करता है। तो अब जो अल्फा है, तो अल्फा में आपको पता ही है कि 2He4 होता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पर रिएक्शन को लिख दूँ साफ साफ, तो ये जो है 13 एल्युमिनियम 27 है और ये बच्चों 2He4 है और इससे बना फॉस्फोरस 30। तो अब 13 और 2 15, यहां भी 15 है, तो मतलब चार्ज तो कुछ भी नहीं होगा, जो भी अपना नया सब एटॉमिक पार्टिकल आएगा। और हेयर इट इज 31 एंड इट इज 30, मीन्स एक यूनिट मास होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क का आंसर है 0N1, है ना? इस क्वेश्चन मार्क का आंसर है 0N1, सो दिस इज योर आंसर। तो ऐसे एक बहुत ही आसान सा एक क्वेश्चन हो गया ये। ओके, अब ट्रांसम्यूटेशन वाला मामला निपटा, तो नया जो सेकेंड पार्ट है इस लेक्चर में, दैट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो जरा उसको भी देख लिया जाए, क्या होता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, तो इस आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में कुछ भी लिखवाने से पहले, जो मैंने अभी आपको ट्रांसम्यूटेशन में वो जो न्यूट्रॉन का जनरेशन हो रहा था उसको एक बार मैं फिर से लिखता हूं, ठीक। सो दैट वाज 4 बेरिलियम 9 एंड दिस वाज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स। द डॉटर न्यूक्लियस दैट वाज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस बम्बार्डमेंट वाज कार्बन 12 एंड न्यूट्रॉन इससे रिलीज हो रहा था, ठीक। तो बच्चों ये एक आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन है, मतलब ये जो रेडियो, ये जो एटम का कन्वर्जन है, दैट इज अगेन आर्टिफिशियल। लेकिन जहां भी रेडियो एक्टिविटी की बात आती है, तो रेडियो एक्टिविटी का स्ट्रिक्टली मतलब है डिके। रेडियो एक्टिविटी का स्ट्रिक्टली मतलब है डिके, और वो डिके बच्चों स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, खुद से डिके होना चाहिए, देन ओनली यू कैन से दैट ओके दिस एटम इज रेडियो एक्टिव। जैसे बेरिलियम से आपने कार्बन बना दिया, तो क्या बेरिलियम रेडियो एक्टिव हुआ? नहीं, ये खुद से नहीं बनना चाहता था, ये तो आपने जबरदस्ती करके इसको बना दिया। तो एक एटम से दूसरे एटम में कन्वर्जन हमेशा रेडियो एक्टिविटी नहीं होती है। रेडियो एक्टिविटी का सिंपल, रेडियो एक्टिविटी मीन्स स्पॉन्टेनियस डिके ऑफ रेडिएशन, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो यहां पर ये जो दो एटम है बच्चों, अगर हम इन दो एटम्स की बात करें, दिस फर्स्ट बेरिलियम, अच्छा फिर ये जो प्रोडक्ट है, दिस इज कार्बन 12, सो कार्बन 12 इटसेल्फ अ स्टेबल एटम और स्टेबल न्यूक्लियस, सो दीज टू आर नॉन रेडियो एक्टिव हियर, दिस इज ऑल्सो रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियो एक्टिव, एंड दिस बेरिलियम इज ऑल्सो नॉन रेडियो एक्टिव। अच्छा,
अब एक तो भाई ये एग्जांपल हुआ दैट वी हैव डन रिसेंटली, नाउ कम टू द अनदर एग्जांपल। अब जरा इसको गौर से देखें, इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें क्या होगा कि नाइट्रोजन 14 के एटम के ऊपर हमने क्या किया, न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग कर दी। न्यूट्रॉन अटैक्स ओवर दिस नाइट्रोजन 14। ड्यू टू दिस व्हाट हैपेंस, हमें बच्चों कार्बन 14 ये वाला एटम मिला, 6C14, और इसी के साथ साथ हमें क्या मिला, हमें एक प्रोटॉन भी मिल गया। तो जब न्यूट्रॉन ने अटैक किया नाइट्रोजन के ऊपर तो ट्रांसम्यूटेशन तो यहां भी हुआ, अगेन इट इज एन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। नाइट्रोजन 14 खुद से तो कन्वर्ट होने गया नहीं कार्बन 14 में, वो तो आपने क्या किया कि इस न्यूट्रॉन की बम्बार्डिंग की तो बेचारा कार्बन 14 में बदल गया। तो अगेन दिस इज एन आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन। लेकिन अब यहां पर ये बच्चों जो आपका नाइट्रोजन 14 है, दिस इज अगेन नॉन रेडियो एक्टिव इन नेचर, या नीचे ही चलो लिख देते हैं, सेपरेट रिएक्शन है, दिस इज नॉन रेडियो एक्टिव। लेकिन बच्चों अगर हम इस कार्बन 14 की बात करें, सो दिस इज डेफिनेटली अ रेडियो एक्टिव एटम, दिस इज रेडियो एक्टिव। अब कोई अगर पूछे कि अच्छा बताइए आप कार्बन 12 को तो नॉन रेडियो एक्टिव बोल रहे हैं, और जैसे कार्बन 14 हो रहा है तो आप उसको रेडियो एक्टिव बोल दे रहे हैं, क्या आप इसका लॉजिक समझा सकते हैं, क्या आप इस बात को एक्सप्लेन या स्पष्ट कर सकते हैं कि ये कार्बन 12 क्यों अनस्टेबल है, क्यों इसमें डिके होता है? तो आप कहेंगे हाँ सर इट्स वेरी इजी, हम तो पढ़े हुए हैं, ये कार्बन 14 जो है इसका जो N/P रेशियो है 1 से तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हम इस N/P रेशियो यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो की बात करें इस कार्बन 12 के लिए, सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर 6, प्रोटॉन ऑल्सो 6, सो दिस इज एग्जैक्टली 1। सो N/P रेशियो 1 फॉर द एटम्स हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 20 मीन्स इट इज एन स्टेबल एटम। ये हम लोगों ने न्यूट्रॉन प्रोटॉन के रेशियो में समझा था। लेकिन अगर इस कार्बन 14 के लिए N/P का रेशियो लिखा जाए, सो दिस इज 8/6 विच इज फेयरली ग्रेटर देन 1 एंड दिस मीन्स दैट इट इज नॉन स्टेबल, दिस इज नॉट स्टेबल, ये अनस्टेबल है, रेडियो एक्टिव है। तो बच्चों ये जो कार्बन 14 जनरेट हुआ, दिस कार्बन 14 इज अ रिजल्ट ऑफ दिस आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन विच इज इटसेल्फ रेडियो एक्टिव। तो जब भी किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस की पैदाइश होती है ड्यू टू दिस आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, तो अब जैसे ये C14 बनेगा ये क्या करेगा, ये रेडिएशन डिके, इससे डिके होने लगेगा, ये रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। तो ये जो रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है ये ओरिजिनली तो था नहीं, था तो नाइट्रोजन 14। अब हमने एक रेडियो एक्टिव एटम जो है प्रोड्यूस किया, उससे जो रेडियो एक्टिविटी होती है दैट इज एक्चुअली आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन से अगर कोई रेडियो एक्टिव एटम जनरेट हो जाए और फिर वो रेडियो एक्टिविटी शो करे तो उसे ही हम लोग आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। देर इज नथिंग न्यू इन दिस, बट टर्म इज न्यू। कोई कहे कि रेडियो एक्टिविटी और आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में क्या फर्क है, तो आप कहेंगे रेडियो एक्टिविटी सर क्या है, नेचर में कोई चीज पहले से रेडियो एक्टिव प्रेजेंट हो, जैसे C14 जो न्यूक्लियस है कार्बन का वो रेडियो एक्टिव है, तो नेचर में जो C14 पहले से प्रेजेंट है उसकी उसका जो डिके होगा वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या केवल रेडियो एक्टिविटी होगी, और हम खुद से नया बनाए और फिर उससे डिके कराएं, उससे जब डिके होगा तो दैट इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, दैट्स इट। तो अगर डेफिनेशन की बात हो तो कैसे लिखेंगे कि इफ प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन, इफ प्रोडक्ट ऑफ आर्टिफिशियल ट्रांसम्यूटेशन इज रेडियो एक्टिव, इज रेडियो एक्टिव, देन सच रेडियो एक्टिविटी
then such radioactivity is artificial radioactivity. Then such radioactivity is artificial radioactivity. तो भाई ये तो बात हुई कि आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस. अब जैसे ये जो C14 है ये कैसे रेडियो एक्टिविटी शो करता है, देखो इस C14 की रेडियो एक्टिविटी कैसी होती है. ये जो C14 होता है ये क्या करता है, बीटा पार्टिकल का डिके करता है. क्या करता है, बीटा पार्टिकल का डिके होता है इससे, तो एंटी न्यूट्रिनो निकलता है. मैंने हम लोग पढ़ चुके हैं पहले कि बीटा पार्टिकल जब भी रिलीज होगा तो एनर्जी के लिए एंटी न्यूट्रिनो भी जनरेट होगा. सो दिस इज योर बीटा पार्टिकल विच इज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जनरेटिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस. ओके, तो इस C14 ने क्या किया कि खुद ब खुद इसकी अब ये चूंकि अनस्टेबल था, अब इस अनस्टेबल रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से इन एक स्टेबल रेडियो स्टेबल न्यूक्लियस जनरेट हुआ है ना. ये रेडियो एक्टिव नहीं है, ये रेडियो एक्टिव है. तब ये जो डिके है, डिके ऑफ बीटा पार्टिकल, वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में आएगा क्योंकि ये जो C14 था वो हमने बनाया पहले और फिर उससे डिके होना स्टार्ट हुआ है ना. तो ये बात हुई आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की. सो विद दिस ट्रांसम्यूटेशन एंड आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी पार्ट इज डन. थैंक यू बच्चों, ये छोटा सा हिस्सा है, खत्म हो गया.